અરે તારો રઘુ છું તારો સામે. And it's time to welcome home sabke favorite. Hi guys, thank you so much for being here. आपने क्या पूछा, मैं क्या लूट के जाऊंगा? मैं इनका दिल लूट के जाऊंगा. जो भी प्यार और ये सपोर्ट ये फिल्म को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, ये हम बहुत आभारी हैं इसके लिए. एंड दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक द ट्रेलर. एंड आई होप दैट इवेंचुअली यू लाइक द फिल्म ऑन रिलीजिंग ऑन 22nd of July. सर, ट्रेलर रिलीज हुआ है आज ही और धमाल मचा दी है इंटरनेट पर. तो ये क्योंकि जनता यहाँ पर है ना, पहली बार रणबीर को एक नहीं दो रोल में देख रही है. तो क्या बोलना चाहते हैं? इतना सारा प्यार अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल रहा है इसको, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही रीजन है काम का, यू नो, इज द लव एंड अप्रिसिएशन. ही ना भूलने वाला विलन दे रहे हैं हम सबको, कभी ना भूलने वाला एक विलन दे रहे हैं. तो कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये कैरेक्टर करते हुए आपको क्या फील होता था और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम पूछना चाहते हैं. आइया बता केम छो. ट्रेलर ना सेव सर, सेव सर, आज ट्रेलर जो ना तुम्हें सर, सेव सर इज द फेमस डिश ऑफ बड़ोदरा. सेव उसल कहते हैं, तो यहाँ की जो फेमस डिश है वो कह रहे हैं बिना खाइए मत जाएगा. क्या बल से भाई नहीं होने उन्होंने बोला कि संजू सर ये कैरेक्टर है, करना है कैसे भी करना है. मैंने बोला बहुत कमाल का होगा. और उसने बोला कि अग्निपथ से हटके होना चाहिए. और इसने पूरी कोशिश की. और मैं हमेशा यही चाहता था कि रणबीर ये कमर्शियल जोन में आए. मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, पर डेफिनेटली देयर इज सो मच मोर टू हर. शी आई थिंक इज शी इज एनचैंटिंग, शी इज फ्लैम्बॉयंट, येट शी इज अ ब्रेव हार्ट. You know, and it has a very solid core. So I feel like she has multiple layers. And just tarah ka ye, you know, the world that's been set up in Shamshera is very new for me as an actor to be part of. And for me, it was just thrilling. Unki jo photo thi, mere cupboard mein chipkai hui thi. Main tab se inka fan raha hoon. Phir inki life ko jeena film ke zariye, and eventually inke opposite kaam karna, bahut maza aaya. Main aaya aap sabko bolu ki ye itna सबसे इतना प्यार करते हैं और सब इन्हें इतना प्यार करते हैं. जब आप जब संजू सर सेट पे होते थे तो जो भी 200 लोग हैं वो पूरे इनके इर्द गिर्द होते थे कि उनको संजू सर के साथ बैठना है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मली सबके साथ बात करते हैं, सबके फैमिली को जानते हैं, वो सबके नाम जानते हैं. वो जब भी मैं भी एक्शन करता हूँ फिल्म में, जब मैं कर रहा था, ये हमेशा पीछे से आके एक्शन डायरेक्टर या स्टंटमैन से बात करते थे और पूछते थे कि क्या ये सेफ है, इसको लगेगी तो नहीं. फिर आके मेरा वो हार्नेस जो है, मेरे पैडिंग, वो चेक करते थे. तो ऐसा बहुत यू नो अनुभव ऐसा रहा है कि बहुत कमाल कर रहा है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो आई हैव सो मच ऑफ लव फ्रॉम माय लाइफ समथिंग. वेल, एक सीख जो मैंने सीखी है इस फिल्म के जरिए वो डायरेक्टर के थ्रू इज कन्विक्शन. यू नो, इस फिल्म का जो सुर है, जो टोन है, शायद काफ़ी अलग है जो दूसरी फिल्मों में जो टोन मैंने लिया है एज एन एक्टर. बट ऐसी फिल्में तो हम देख कर बड़े हुए हैं. ज़्यादातर अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको इस किस्म की फिल्में एक्टर एक्टिंग करनी है, लार्जर देन लाइफ, यू नो, जहाँ मल्टी जॉनर आप बोल सकते हो, जहाँ सब कुछ है एक ही फिल्म में, एक कैरेक्टर में. आप रोमांस भी कर रहे हो, आप लड़ भी रहे हो, कॉमेडी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू करण मल्होत्रा कि उन्होंने मुझे मेरे बारे में सोचा इस फिल्म में. एंड ही इज़ कास्टेड इन दिस फिल्म. बिल्कुल, बिकॉज जो कंफर्ट जोन है, जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाती हो तो कुछ खास काम निकलता नहीं है. फिर वो आप रिपेटिटिव बन जाती हो, एक आपका जो एक स्किल सेट है वो बन जाता है और फिर आप उसको ही लगातार करते जाते हो. तो हमेशा एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने कंफर्ट जोन से हटो और कुछ अलग ट्राई करो. वेल, आई मीन प्योर हार्टेड मैन कैन बी नेगेटिव.
बट इट मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो डायरेक्टर को मैं सरेंडर कर देता हूँ अपने आप को, तो पूरा बर्डन डायरेक्टर पे रहता है, वो मुझे बोलता है हाँ, लेकिन मैं थोड़े यहाँ वहाँ सजेशंस होते हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, बट मैं ऐसा एक्टर हूँ, आई गिव माई सेल्फ टू द डायरेक्टर, मैं से आई एम हियर, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। मैं भी प्योर हार्टेड ही हूँ सर। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ पे VHS मिलते थे, तो मेरी सारी एजुकेशन सिनेमा की वहाँ से ही हुई है। नहीं, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे इतना कमाल लगा दोनों किरदार, और क्योंकि फादर सन है तो जाहिर सी बात है कि एक ही एक्टर प्ले कर सकता है क्योंकि फादर सन में सिमिलैरिटीज होंगी, बट आई डोंट थिंक आदि सर और करण कन्विंस थे, तो हमने बहुत सारे ऐसे लुक टेस्ट किए। करण को भी एक कन्विक्शन चाहिए था कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, एक 45-year-old मैन है, विल आई बी एबल टू पुल इट ऑफ ऑन स्क्रीन, but I'm very happy that he got convinced and was part of it. Yes, it was very difficult. This entire film was difficult. This was probably the most difficult film of my life. Yes. मैं हमेशा मिस करता हूँ पापा को। मुझे याद है जब ये फिल्म शुरू हो रही थी, इसके एक महीने पहले हमें न्यूज़ मिली कि ही वॉज डायग्नोज विद कैंसर, हमें निकलना पड़ा। मैंने आदि सर और करण को मैसेज भी किया और कहा कि यू नो शायद ये फिल्म से मैं हट जाता हूँ क्योंकि ये होगा नहीं, यू नो मेरा बहुत टाइम न्यूयॉर्क या अमेरिका में गुजरेगा, बट दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। दे सेड कि नहीं, जैसे आप शूट करना चाहोगे, जब आप ब्रेक लेना चाहोगे, आप अमेरिका जाना चाहोगे, आप करो। बट यू नो he was a man of entertainment, he was a man of show business, the show must go on. I think of him every day of my life, every important moment of my life I wear his watch, so he's always with me in my heart, in my soul, and I hope somewhere up there when he sees this film, I'm sure he's already seen this film, that he's very proud of me and he's very happy that with the result of this film. Mere liye bahut hi badi baat hai ki main आज एक प्लेटफॉर्म पे, आई एम शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विद एक्टर्स लाइक संजय सर एंड रणबीर, एंड आई हैव लव्ड एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच देयर फिल्म्स, आई एम जस्ट लाइक यू, आई एडमायर, आई एज एन ऑडियंस आई कनेक्ट टू देयर इमोशंस ऑन स्क्रीन, एंड आई फील बोथ ऑफ देम हैव दिस, आई डोंट नो, आई कैन, आई फील लाइक दे कैन ब्रिंग एनी सीन अलाइव, यू नो, दे ऑल दी सीन्स कम टू लाइफ व्हेन यू हैव ट्रेमेंडस brilliant actors like them. तो I feel like एक silent observation होती है, एक subliminal learning होती है जो आप सीखते हो ऐसे लोगों से, लोगों के साथ काम करके. So for me it's just been very enriching. ए मम्मी, ए मम्मी, सु अटला गुस्सा थी जुए छे, सु सु अटला गुस्सा थी, एटला गुस्सा थी जुए छे, जुए छे, अरे तारो रघु छु तारो सामने। Okay. Ashant is a great production house, you know, they have great people, you know, Aditya Chopra, who is the karta dharta of Yash Raj. He's got such immense belief in movies and cinema and stories that it's really great to partner with him and create your story and actually go through the filmmaking process, and I'm sure Karan agrees on that. Absolutely. Abani is a regular at Yash Raj, so I think she'll be better to answer this question, but yeah, it's one of the best production houses in India.